हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जेक मैट्रिक इंटर विशेष परीक्षा यानी पूरक और संपूरक परीक्षा होगी ऑफलाइन, ये आज का न्यूज है आप लोगों का एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न पर कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, कब एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा, सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना लास्ट में, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हमारे इस चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो सभी प्रकार की यहां पर मेटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है आज का न्यूज जो प्रभात खबर के माध्यम से निकल कर आई है। तो सबसे पहले तो हेडलाइन पढ़ लीजिए कि मंजूरी मिली, मैट्रिक और इंटर विशेष परीक्षा होगी ऑफलाइन। दोस्तों, जब से कोरोना सेकेंड वेव यानी कोविड 19 सेकेंड वेव हमारा देश में आया था, तो सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर एग्जाम कंडक्ट कराया था। उसी कड़ी में हमारे राज्य झारखंड भी सभी एग्जाम को स्थगित करके, जिस प्रकार जेक के मैट्रिक इंटर के एग्जाम को भी कैंसिल करके इस बार ऐसे ही उत्तीर्ण किया गया है एक फॉर्मूला के बेसिस पर। तो उसी कड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हुए हैं और उसमें असंतुष्ट भी अपने मार्क्स से। तो इन सभी स्टूडेंट को दूसरा बार एग्जाम यानी सप्लीमेंट्री और एग्जाम से आप लोगों का एग्जाम कराकर पास कराने की ऑप्शंस बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो कि एग्जाम कराने के लिए बोर्ड ने शिक्षा विभाग से अपनी अनुमति मांगी थी, क्योंकि उन्हीं के कंट्रोल में अभी है कि एग्जाम कराना या नहीं कराना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जेक बोर्ड ने शिक्षा विभाग को अनुमति मांगी थी और अनुमति मिल चुकी है एग्जाम कराने की। दोस्तों, तो आप लोगों का एग्जाम कब होगा, पहले तो बात यह है। दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम होगा ये सितंबर फर्स्ट वीक होगा। दोस्तों, सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पब्लिश किया गया। जैसे ही डेट पब्लिश करता मैं आप तक पहुंचाने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। दूसरा बात है कि आप लोगों का रिजल्ट से रिलेटेड है इस न्यूज में, रिजल्ट आप लोगों का 15 सितंबर तक पब्लिश कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 15 तारीख को कर दे या तो फिर एक दिन आगे या एक दो दिन पीछे, इतना ही रहेगा, क्योंकि बोर्ड सीरियस है आप लोगों का करियर को लेकर। दोस्तों, आप लोगों का फ्यूचर खराब ना हो, यानी इसी साल आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन कर सकते हो, आपका जेई में जाना चाहते हो तो जेई में, अगर मेडिकल में जाना चाहते हो तो मेडिकल, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो जहां पर इसका रिक्वायरमेंट होगा, वो आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो, कोई अड़चन ना हो आप लोगों का रिजल्ट से लेकर और सर्टिफिकेट से लेकर। इसीलिए बोर्ड ने इसको एग्जाम भी आप लोगों को जो कराया जाएगा दोस्तों, ओएमआर शीट पर कराया जाएगा। यानी ओएमआर शीट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, बहुत कई बच्चे नहीं जानते ओएमआर शीट क्या होता है। दोस्तों, ओएमआर शीट पर क्या होता है, एक आप लोगों का एक अलग से सीट दिया जाएगा, अलग से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर और उसमें बीच में जगह छोड़ दिया जाता था आंसर लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का कॉपी उस तरह से नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा ओएमआर शीट, ओएमआर शीट पर क्या होता है दोस्तों, चार ऐसा, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर एक है, इस पे चार टू आपको ऐसा राउंड राउंड टाइप चार टू ऑप्शन रहेगा, और आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का चार ऑप्शंस भी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो उसमें दिया रहेगा जो आपको सही लगे उसको, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो क्वेश्चन नंबर ए का मान लीजिए आपका सी करेक्ट है, तो इसको आपको ऐसा पेन से गोला करना होगा पूरी तरह से, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, ये हुआ करेक्ट। और इसको चेक किया जाता मशीन से ताकि आप लोग रिजल्ट जल्दी से कराया जाए, क्योंकि कॉपी अगर एक एक करके काटा जाए तो लेट हो सकता है, इसीलिए आप लोगों को ओएमआर शीट पर दिया जाएगा। दोस्तों, और इसका आपका एग्जाम का खास बात यह है कि इस बार जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसको आपको 35 नंबर का 35 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन पेपर में। आपको किसी भी, चाहे आप फिजिक्स दे दो या केमिस्ट्री दे रहे हो या फिर मैथ्स दे रहे हो या जो भी आप सब्जेक्ट दे रहे हो, उसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न पर सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 × 35 = 70, यानी टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। दोस्तों, टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे, 35 आपको क्वेश्चन में आएंगे। टोटल 70 नंबर के एग्जाम में 35 प्रश्न, 2 एक प्रश्न में आपको सही करने पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दोस्तों, इसमें कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं,
दोस्तों देखिए यहाँ पे मैट्रिक इंटर के स्पेशल परीक्षा में 35,000 होंगे शामिल। इसमें मैट्रिक के 10,000 और इंटर के 25,000 स्टूडेंट। लगभग 35,000 बहुत स्टूडेंट है, इतना लोगों ने फेल किया हो, या फिर इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसका मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। तो आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन होगा। दूसरा क्या है, 35 नंबर पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन में 2 नंबर का होगा। फर्स्ट सितंबर में एग्जाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, रिजल्ट होगा 15 सितंबर। तो ये है न्यूज। और दोस्तों आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, जो आपका पिछले बार सिलेबस था, जैसे COVID-19 के कारण जो सिलेबस 40% डिडक्ट किया गया था और 60% आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया गया था, वो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस आप लोग क्या करिए, प्रिपेयर करिए और ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रिपेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का न्यूज इतना ही था कि आप लोगों को मंजूरी मिल चुकी है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR शीट पर होगा और डेट भी आपको निकल कर आ जाए, किस दिन से स्टार्ट होगा और क्या नहीं होगा। तो आज इतना ही, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।